तो हे एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गिटार के ट्यून को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि आप सिंगल स्ट्रिंग पे वीडियो बनाओ, साथ ही साथ अपने गिटार के ट्यून को रिकॉर्ड कैसे करते हो, अपने ट्यून को एडिट कैसे करते हो, अपने वीडियो को कैसे एडिट करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज अपने इस वीडियो में बनाया है। और हाँ, गिटार के ट्यून को किस गैजेट से रिकॉर्ड करें ये मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट के बारे में मैंने अपने वीडियो के लास्ट में पूछूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने रिकॉर्डिंग की तरफ। लेट्स गो। तो चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। रिकॉर्डिंग के लिए सेमी एकॉस्टिक गिटार चाहिए, एक WH बैटरी चाहिए, ऑडियो इंटरफेस। अब सारे को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। तो कनेक्ट करना काफ़ी आसान है। पहले बैटरी इसमें लगा लेता हूँ, सिंपल। उसके बाद ऑडियो इंटरफेस के साथ एक केबल आता है, और इस केबल को अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब गिटार और ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए इस वायर का हेल्प चाहिए, एक गिटार में और एक ऑडियो इंटरफेस में। कंप्लीट। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ऑडियो इंटरफेस में आने के बाद में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके M-Track Solo ऑडियो इंटरफेस को सेट कर लेना है। उसके बाद ट्रैक पे जा करके अपना एक ट्रैक को सेट कर लेना है। इसके बाद इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब करते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ट्रैक को सुनेंगे और जो ट्रैक सही होगा उस पर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो ट्रैक पे काम करने से पहले हम लोग ट्रैक को सुनेंगे। तो ट्रैक हमारा सही से रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम लोग इस ट्रैक पे आगे काम करेंगे। परफेक्ट।
तो एडिटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, आइए अब हम लोग सुनते हैं इसको बैकिंग ट्रैक के साथ में। वीडियो के आखिर में इस सॉन्ग के बैकिंग ट्रैक को हम लोग ऐड कर देंगे, आप चाहे तो वहां से जाकर के इस ट्रैक को ले सकते हैं और अपने ट्यून के साथ में ऐड कर सकते हैं। अब वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।